शहनाज गिल के फैंस के लिए गुड न्यूज़ है। बिग बॉस 13 फेम शहनाज गिल जल्द ही करण कुंद्रा को बतौर जेलर लोकअप में रिप्लेस करती नजर आने वाली हैं। लोकअप शो को कंगना रनौत होस्ट करती हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो करण कुंद्रा अपने नए रियलिटी शो डांस दीवाने जूनियर्स की शूटिंग में काफ़ी व्यस्त चल रहे हैं। ऐसे में वह लोकअप को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। जेलर की भूमिका करण अच्छे से निभा रहे थे, दर्शक भी इन्हें काफ़ी पसंद कर रहे थे, लेकिन कमिटमेंट्स के चलते उन्हें अब शो में शहनाज गिल रिप्लेस करेंगी। मेकर्स ने शहनाज गिल को नया जेलर बनाने का प्लान किया है। रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स ने शहनाज गिल को जेलर की भूमिका लिए पहली बार अप्रोच नहीं किया है। इससे पहले भी वह शहनाज गिल को इस रोल के लिए अप्रोच कर चुके हैं, लेकिन शहनाज गिल के पास पहले के कुछ कमिटमेंट्स थे जो उन्हें पूरे करने थे। ऐसे में शहनाज गिल ने इसके लिए इनकार कर दिया था। इस बार कंगना रनौत ने खुद शहनाज गिल से रिक्वेस्ट की है कि वह जेलर बनकर शो में नजर आएं। ऐसे में शहनाज ने कंगना की बात को ना टालते हुए उन्हें हाँ कह दी है। कंगना रनौत के शो को काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं। मेकर्स इस बात से काफ़ी खुश हैं। कंगना बेहद ही शानदार काम कर रही हैं। जब करण कुंद्रा बतौर जेलर बनकर शो का हिस्सा बने तो व्यूज़ और भी ज़्यादा बढ़ गए। बिग बॉस 15 में दर्शकों को करण कुंद्रा काफ़ी पसंद आए। करण का ऑर्गेनिक क्रेज़ है। करण ने लोकअप की व्यूवरशिप में काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि करण कुंद्रा के पास डांस दीवाने जूनियर्स के वर्क कमिटमेंट्स हैं। ऐसे में वह लोकअप के शूट के लिए काफ़ी समय निकाल नहीं पा रहे। इसके अलावा करण ने एक हिंदी फिल्म भी साइन की है जिसकी शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है। इसके बारे में एक्टर जानकारी जल्द ही सोशल मीडिया पर देते हुए नजर आएंगे। वहीं शहनाज गिल के पास भी कई प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं जिन पर वह काम कर रही हैं। इनमें ही बीच में वह लोकअप के लिए समय निकालेंगी और शो का हिस्सा बनेंगी।